आइए, आपको हमने कल पहले पार्ट में जो है शब्द अलंकार के जो भेद थे शब्द अलंकार हमने आपको बता दिया है। अब आपको हम पढ़ाते हैं अर्थालंकार में कि कौन कौन से अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसा आपने शब्द अलंकार के सारे भेदों को पढ़ा और समझा, अब आपको अगले भाग में अर्थालंकार में जो भी आते हैं अलंकार उनको आप देखिए। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने आपको बताया था उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, प्रतीक, अनन्वय, संदेह और भ्रांतिमान। और भी बहुत से अलंकार हैं, इनमें एक एक का हम आपको विश्लेषण करते हैं। पहला आप देखिए उपमा। सबसे पहले आप देखिए परिभाषा। जहां किसी वस्तु के गुण, धर्म, रूप आदि की समता या तुलना या समानता प्रदर्शित की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। यहां कंपेयर, दो चीजों में तुलनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। और तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ दूसरी चीज हमने कहा एक दूसरे से, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, दो समान वस्तुएं हैं, दो चीजों में उनमें कंपेयर किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और समानता भी प्रदर्शित की जाती है। जैसा परिभाषा में हमने आपको बताया किसी वस्तु के गुण, धर्म या रूप की तुलना या समता समानता दूसरी वस्तुओं से की जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, अरविंद सो आनंद सुंदर है, और दूसरा उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। इन दो उदाहरणों को आप देखिए, इसमें हम आपको स्पष्ट करते हैं कि कैसे यहां उपमा अलंकार है। हाँ, एक चीज और आपको बता देते हैं, उपमा के अंग, उपमा के चार अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। और उपमा के प्रकार भी तीन, एक पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मान्य उपमा, यह आप जानकारी रखिए। ये आपके उपमा के अंग हैं और वो जो हमने बताया वो उपमा के प्रकार थे, मालोपमा, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। ये उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान, जिससे उपमा दी जाती है। वाचक शब्द वह होते हैं जो उपमेय और उपमान का जो उभयनिष्ठ गुण होता है वो होता है वाचक। यहां सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं उपमेय और उपमान की, जैसे मुख चंद्र है, ठीक है। अब यहां मुख की समता किससे की जा रही है? चांद से। तो जो हमारा उपमान है वो चांद होता है और उपमेय जो है वो मुख है, ठीक है। हमारे परंपरागत उपमान चांद, कमल, ये सारी चीजें मानी गई हैं। तो यहां उपमान चांद माना जाता है और उपमेय जो है मुख माना जाता है, ठीक है। सासी से सम समान सदृश जो चीजें आएंगी वो सब वाचक शब्दों के अंतर्गत आती हैं और शेष जो है वो साधारण धर्म है। जहां उपमा के चारों ये अंग विद्यमान होंगे वहां पूर्ण उपमा होती है और जहां उपमा के एकातंगी लुप्त हो जाते हैं वो
वो हो जाती है लुप्तोत्मा। आइए इसमें हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब हमने अगर आपको उपमा की पहचान करनी है, जैसे आप उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो मनो जनो आदि शब्द आते हैं, इसी तरह अगर आपको जानकारी करनी है कि उपमा अलंकार है कि नहीं है, इसके लिए सामान्य सी चीजें हैं सा सी से सम समान सदृश जैसा। आप इन शब्दों को याद रखें और इससे आप आसानी से ये जान सकते हैं कि हाँ इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जैसे एक उदाहरण और देखिए, मखमल सी झूल पड़े हाथी सा पीला, अरविंद सो आनंद सुंदर है, सासी से सम सो, ये सारी चीजें इसमें देखिए, सी शब्द आया इसमें, देखिए सरी से आया, ठीक है। ये तो वाचक शब्द है जिनसे आप पहचान सकते हैं भाई, हर जगह आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। आप कल को कंपटीशन क्षेत्र में जाओगे तो वहां आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि आप इसकी परिभाषा लिखिए, आपको वहां सिर्फ पंक्तियां दे दी जाएगी और पंक्तियों में ये पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको इसी माध्यम से जानकारी मिलेगी कि हाँ यहाँ कौन सा अलंकार है। अरविंद सो आनंद सुंदर है, अरविंद मतलब होता है कमल, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ मुख की समता है तुलना किससे की गई, कमल की। पीपल पास सरिस मन डोला, उसका मन कैसे डोल रहा है, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है उसी के समान उसका मन डोल रहा है। यहाँ मन की तुलना या समता किससे की गई, पीपल के पत्ते से की गई। और मखमल सी झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें भी वही चीज, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, मक्खन की तरह होता है, तो वहां संत के हृदय की तुलना या क्षमता किससे की गई, मन से कर दी गई। इस तरह उपमा अलंकार आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो अगले पे आते हैं, रूप। जहां उपमेय में उपमान का आभेद रहित आरोप होता है, अभेद यानी जिसमें भेद ना रखते हुए दोनों में समरूपता प्रदर्शित की जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। आरोपण दो शब्द है, आभेद रहित, एक आता है शब्द आभेद और दूसरा होता है आरोपण। अभेद यानी भेद ना रखता और आरोपण का मतलब होता है आरोपित करना। उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, और एक चीज कहीं कहीं इसमें आपको रूपी शब्द भी, रूपी से भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। रूपक जैसा शब्द है, नाम है, वैसा रूपी। अभी हम आपको उदाहरण में बताएंगे। उदाहरण देखिए, पहला अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागिनी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागिनी। यहां अंबर यानी आकाश को पनघट मान लिया गया है, आकाश रूपी पनघट में, तारे रूपी घड़े को, उषा रूपी चतुर नायिका डुबो रही है, यानी उषा पर चतुर स्त्री का, तारों पर घड़े का और आकाश पर पनघट का आरोपण कर दिया गया है। फिर से आप देख लीजिए, उषा पर चतुर स्त्री का, तारों पे घड़े का और आकाश पर पनघट का आरोपण कर दिया गया। इसलिए पहला लक्षण आपको हमने देख बता दिया, घटित कर दिया। और हाँ एक चीज और, दूसरा आप देख लीजिए उदाहरण, चरण कमल बंधो हरि राई,
चरण कमल बंधो हरि राई। आविष्कार, मैं भगवान विष्णु के कमल व चरणों की वंदना करता हूं, यानी यहां चरण को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, कमल और चरण में कोई भेद न रखकर दोनों में समरूपता प्रदर्शित की गई है। और अभी हमने आपको जिक्र किया रूपी, उसको हम बता देते हैं। सेज नागिन फिर डसी, अभी साधार पे आप देखिए, सेज रूपी नागिन बार बार डस रही है। अब यहां रूपी आया तो हम यहां अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि हर जगह आपको सासी से समान शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए सेज रूपी नागिन बार बार उसको डस रही है, तो यहां रूपी शब्द आया, इसलिए रूपक होगा। दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपका आता है अगला अलंकार उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था उपमेय और उपमान, ये दो चीजें आप याद रखना, क्योंकि सारे अलंकार ज्यादातर आपके सब अर्थालंकार की उपमेय उपमान पर ही आधारित होंगे। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, चमचमाते चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मी। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, जो बहुत ही फेमस उदाहरण है आपका, सोहन ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मरसैल पर आपका प्रयोग प्रभात। यहां जो हमने वाचक शब्द आपको जिक्र किया था मानो जनो जानो मनो जनो आदि, ये शब्द आपको शुरुआत में ही, यानी जैसे आपने अभी हमने उदाहरण आपको दिया सोहत ओढ़े पीपट श्याम सलोने गात मनो शब्द आया है, और उधर हमने आपको बताया था चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव, वहां भी मानव शब्द आया है। तो ये इन वाचक शब्दों से हम यदि पंक्तियां दी गई हैं तब भी हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक उदाहरण देख लीजिए, मानव काल सकल में छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, वहां भी मानव शब्द आया है। ठीक है, तो जहां पे भी संभावना या कल्पना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलो एक अलंकार हम आपको आता है, अगला देखिए विभावना। विभावना बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार विभावना। विभावना अलंकार वहां होता है जहां कारण के अभाव में भी कार्य संभव हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर मेरे पास पेन ना हो और मैं फिर भी लिख लू, पैर ना हो मैं फिर भी चल लू, मुख ना हो फिर भी मैं बोल लू, यानी कारण के अभाव में भी कार्य का हो जाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो है वो बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है, यानी कारण के अभाव में भी कार्य हो जा रहा है। पैर के अभाव में वो चल ले रहा है और कान के अभाव में वो सुन ले रहा है, यानी जहां कारण के अभाव में भी कार्य हो जाता है वहां पे विभावना अलंकार होता है। चलिए हम आपको अब ये दो अलंकार पहले पढ़ा देते हैं, फिर आपको अगला बताते हैं। संदेह और भ्रांतिमान, और भ्रांतिमान इसको पढ़ने से पहले आप शॉर्ट में इसको समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। संदेह और भ्रांतिमान, संदेह अलंकार वहां होता है जो अंत तक कहीं पे संदेह बना रहता है,
संदेह में हमेशा जो है अंत संदेह बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन भ्रांतिमान में कुछ समय के पश्चात जो भ्रम होता है वो खत्म हो जाता है और वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। यानी उपमेय में जहां जो है दो समान वस्तुओं में सादृश्यता के कारण भ्रम उत्पन्न होता है और थोड़े ही समय के पश्चात वो भ्रम की स्थिति क्लियर हो जाती है, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। और संदेह में जैसा मैंने आपको बताया कभी भी भ्रम की स्थिति समाप्त नहीं होती है। अब पहला आपको संदेह का उदाहरण देख लीजिए, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। इन स्थितियों में ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जो स्त्री है वो साड़ी की बनी हुई है कि जो है साड़ी स्त्री की बनी हुई है, ये स्थिति लास्ट तक बनी रहती है। लेकिन भ्रांतिमान का उदाहरण देखिए स्पष्ट हो जाएगा आपको, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांत से हुआ सुख सहसा मौन है, सोचता है अन्न सुखिया कौन है। इसमें तोता है जो डाल पे बैठा है और नायिका अपने नाक में जो है एक बेसन पहने हुए एक आभूषण पहने हुए है विशेष प्रकार का जो बहुत ही चमकदार है, जिसपे उसके ओठों की प्रतिछाया पड़ती है जिससे वो आभूषण लाल रंग का दिखाई देता है। उस तोते को उसमें अंगूर के दाने का भ्रम होता है और उसको वो अंगूर का दाना समझ करके उस पे चपट्टा मारता है। लेकिन जैसे ही उसको वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है वैसे ही उसका वो भ्रम दूर हो जाता है कि नहीं ये अंगूर का दाना नहीं बल्कि ये नायिका का के नाक में पहना हुआ एक विशेष प्रकार का आभूषण है। और दूसरा जो उसको शक था कि ये दूसरा तोता कौन है, वो नायक जब उस वो आभूषण को छूता है तभी उसको स्थिति तक ज्ञान हो जाता है कि नहीं ये नायिका की नाक है। इन दोनों स्थितियों में ये क्लियर हो जाता है कि नहीं यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। और अगला दूसरा उदाहरण देख लीजिए, पांव महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी एरी मीड़ जाए, ये भी आपके भ्रांतिमान का ही उदाहरण है। अगला देखिए अलंकार अनन्वय, अन्य जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अन्य मतलब होता है दूसरा, जहां उसके समान कोई दूसरा ना हो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। यानी भारत के सम भारत है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, भारत के सम भारत यानी भारत के समान कोई दूसरा भारत नहीं, राम से राम सिया से सिया, यानी राम के समान दूसरा कोई राम नहीं है और सीता के समान कोई दूसरी सीता नहीं है। अनन्वय का आपकी परिभाषा ही, यानी जहां उसके समान कोई दूसरा ना हो वहां पे अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण आपने देख लिया। अगला देखो प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा, जहां उपमान के अभाव में, जहां उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जहां उपमान का अभाव हो जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाती है, यानी चांद है, अब चांद यहां उपमान माना गया परंपरागत, लेकिन उपमान का अभाव दिखाया जाए वहां उपमान की जगह उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। इसका भी बहुत ही फेमस उदाहरण है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ छोटे लेवल से लेकर के कंपटीशन स्तर तक में ये जो उदाहरण हमने आपको दिए ये सारे उदाहरण आपको हमेशा मिलेंगे। अब यहाँ तपस्वी यानी मन के संदर्भ में यहाँ जिक्र किया गया है और देवदार को यहाँ तपस्वी को जो है उपमान माना गया, उपमेय माना गया है और देवदार को यहाँ उपमेय, ठीक है, जबकि
तपस्वी के समान उसको लंबे ना मान करके, उसका उपमान ना मान करके यहाँ पर देवदारु से जो है तपस्वी की तुलना करनी चाहिए थी, उसकी उपमा देनी चाहिए थी यहाँ। इसलिए उपमान का अभाव होने के कारण जो है तपस्वी को ही उपमान की संज्ञा दे दी गई है, इसलिए यहाँ पे प्रतिपद होगा।